Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 8, Subject Hindi, Chapter Number 4, उठो धरा के अमर सपूतों. ये जो है हमारी काव्या, हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया था और इस म्यूज़िक के साथ हमने पूरी काव्या भी देखी थी. आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा. इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई. 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली. सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा. यह कविता उसी समय की रचना है, यानी ये जो कविता है वो उसी समय बनाई गई है. इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण यानी नया निर्माण करने के लिए कहा है. अब हम इसका, ये जो है कवि कौन है इसका, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इनके इस काव्य के कवि हैं. अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो. यानी हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है. अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ. तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है. नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. यहाँ पे क्या कहा गया है कि आज़ादी की नई सुबह है. सुबह यानी प्रातः. आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नई बात है यानी नई चर्चाएं हो रही है. नई किरण है ज्योति नई, नए विचारों की किरणें फैल रही है. सब अपने जीवन में नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं. नई उमंगे नई तरंगे, लोगों के मन में नई उमंगे हैं और हौसले की नई लहरें हैं. सबके मन में नई आशाएं हैं, नई आस है, नई सांस नई. सबके मन में नई आशा है. आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. यानी इसका मतलब क्या है कि सबके मन में नई आशाएं हैं, देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं. हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान, फूलों को नई मुस्कान देनी है. उन्हें फिर से खिलाना है. खिलाना यानी उनको फिर से मुस्कान देकर उनका नव निर्माण करना है. यानी उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. फिर से नया निर्माण करो. डाल डाल पर बैठ भी कुछ नए स्वरों में गाते हैं. गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है. पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है. विहग यानी पक्षी, वे भी जैसे खुशी के कोई गीत गा रहे हो. बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं. हे देश के सपूतों, यानी उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है. इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं. कली कली खिल रही इधर व फूल फूल मुस्काया. यानी इधर जो है उद्यान में कलियां खिल रही है. इस लाइन को बॉयज हम वापस से रीड करेंगे. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है.
धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गूंजती जब उद्धान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया कि कली कली खिल रही इधर, यानी इधर उद्धान, उद्धान का मतलब होता है बगीचे में कलियाँ खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला रहे हैं। हे देश के सपूतों, ये जो है प्रकाश फैला रहे, फिर ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है, सुनहरी काया यानी भारत माता का जो शरीर है वो सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गूंजती करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यानी कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है, तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो यहाँ पे हमारी जो काव्य का एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है। अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। धरा का मतलब होता है धरती, मातृभूमि, अमर यानी कभी न मरने वाला, सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। पुनः यानी फिर, अगेन, निर्माण यानी बनाना, टू क्रिएट, टू कंस्ट्रक्ट। जन जन यानी प्रत्येक मनुष्य, नव यानी नया, स्फूर्ति यानी उत्साह, प्राण यानी जीवन, प्रातः यानी शुभ, मॉर्निंग, उमंग यानी उत्साह, हौसला, तरंग यानी लहर, रिपल और आस यानी आशा, मुरझे यानी कुमलाए, टू फेड अवे, सुमन यानी फूल, फ्लावर, विहग मैंने बताया आपको पक्षी, नवयुग यानी नया जमाना, नूतन यानी नई, वीणा यानी सितार जैसा वाद्य यंत्र, यानी सितार जैसा आता है एक वाद्य जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको वीणा बोलते हैं, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है वीणा। सुनहरी यानी सोने जैसी चमकीली, काया यानी देह शरीर, मंगलमय यानी शुभ मांगलिक, गुंजित यानी गुंजार से युक्त, जग उद्यान यानी संसार रूपी बगीचा, पावन यानी पवित्र, शत यानी शव, आह्वान करना यानी पुकारना बुलाना। तो यहाँ हमारी ये काव्य जो है एक्सप्लेनेशन और शब्दार्थ के साथ फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।